मत कराई, फिर खड़े हुए। अच्छा उन्हें देख के हमारे दिल में विचार आ रहा जी, कोई ठंड उन्होंने भी। हम साइकिल पर आ गए अच्छा कहीं बाहर से, तो ऐसे लगा हुई, फिर हमारे मन में एक विचार पैर आ पर खड़े होते थे, ठाकुर जी को प्रणाम करते थे, फिर बैठ जाते मैं लड़ा के बताऊँ। अच्छा हाँ अच्छा दो नाम लिए अच्छा किसने अच्छा, कर दिया। अच्छा। और इनमें देखो नजर करके गिरिराज जी की में जी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के चिन्ह मिलेंगे। अच्छा हाँ, मैं चलो चलो चल दिए मोटरसाइकिल पंचर। अच्छा हाँ, रोड में चौराहे पंचर है, एक दो घंटा लग गया। अच्छा जी, वही एक दुकान दो घंटा लग गया। हाँ पंचर की दुकान, पंचर की दुकान। फिर मैं आज कृपा ही ना, फिर वापस ही जाना था। अच्छा, और कृपा हो गया तो अपने आप ही मिला दें। श्री राधे 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 बोल गिरिराज महाराज की जय। और श्री राधे दोस्तों, दोस्तों मैं हूँ ब्रज क्षेत्र में, गोवर्धन बाबा के क्षेत्र में, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। दिन का वक्त है, परिक्रमा लगाते हैं यहाँ गोवर्धन बाबा की। और दोस्तों मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि यहाँ वही आता है जिसके ऊपर राधे रानी की कृपा रहती है, वरना सारे किसी न किसी काम में व्यस्त हैं, पूरी दुनिया व्यस्त है, लेकिन यहाँ वही आता है जो वास्तव में परम भक्त हो राधे रानी का, गिरिराज महाराज का, और अगर उन्हें बुलाना हो तो बस वही आता है यहाँ। तो दोस्तों भक्ति की इसी कड़ी में मैं आपको लगातार ऐसे भक्तों के और श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ कि जिन्हें देखकर आपकी आंखें धन्य हो जाएं। तो इसी कड़ी में मैं हूँ आज एक ऐसे भक्त के साथ में जो पेशे से टीचर हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों की सेवा भी करते हैं और वक्त देते हैं दिन तक, वहाँ सुबह अपनी पूरी नित्य क्रिया करने के बाद में वहाँ वक्त देते हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उसके साथ साथ यहाँ दंडोती की परिक्रमा भी लगाने आते हैं। शरीर में कोई भी वो नहीं, दिक्कत नहीं, कोई भी बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ अगर आप देखते होंगे कि अगर पैदल चलने को भी अगर किसी साधारण इंसान से कहा जाए, साधारण इंसान की बात हो रही है दोस्तों, तो उसके पैरों में सूजन आ जाती है अगर 21 किलोमीटर पैदल चल ले। तो यहाँ प्रभु जी दंडोती की माला पूरी करते हैं 108 की, चाहे दिन में 10 हो जाएं, चाहे 11 हो जाएं, चाहे 7 हो जाएं, चाहे 5 हो जाएं, वो तो राधे रानी और गिरिराज महाराज जितनी कराएं उतनी हो जाएं, लेकिन करते नित्य डेली हैं। तो उनसे पूछते हैं क्या नाम है और कैसे उनकी ये जो भक्ति के प्रति जिज्ञासा बढ़ी और कैसे भक्ति के प्रति इनका रुझान हुआ और गोवर्धन बाबा ने इन्हें पहली बार कब बुलाया, बस ये जानना चाहूँगा मैं। तो राधे श्री राधे, श्री राधे गिरिराज महाराज। क्या नाम है? नाम मेरा कल्याण सिंह। तो क्या पेशे से टीचर हैं आप? हाँ टीचर है। तो दिन में उधर भी वक्त देते हैं, इधर भी आ जाते हैं? हाँ, उसके बाद आ जाए टाइम मिले तो, संडे में सुबह ही आ जाए। तो अपनी इस दंडोती की प्रक्रिया समझाइए मुझे, कैसे कर रहे हैं? तो ये 108 की यहाँ से शुरू करी जी, यहाँ से जी, फिर अपना जहाँ तक पहुँच जाए 7 फुट तक। हाँ प्रणाम दंडवत करते हुए, दंडवत गोवर्धन महाराज, ऐसे 108 करी जाए जी। 108 के बाद वहाँ आगे निशान लगा दिया, लगा देते हैं उससे फिर आगे 108, ऐसे ही ऐसे करते चले पूरे गिरिराज जी ने लगा दिया। ऐसे ही करते हुए पूरे 21 किलोमीटर खत्म करनी है? हाँ जी। तो तकरीबन कितना वक्त हो गया आपको ऐसे लगाते हुए? हमको 3 महीने और 3 साल 5 महीना 3 साल 5 महीने हो चुके हैं, कुछ और टाइम और रहेगा। और अब कितना और वक्त लग जाएगा? अभी 6 महीने और लगे, 5 महीने 6 महीने 5 महीने और ठाकुर जी की मर्जी है। अच्छा हाँ 6 महीने करीब, वो तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो तो ठाकुर जी। सही बात। तो इतना मुझे बताएं कि जैसे आप स्कूल में भी टाइम देते हैं? हाँ स्कूल के बाद, स्कूल के बाद शाम को, फिर शाम तक लगाते रहे, शाम को लगाते रहते हो, शाम तक, दोपहर के बाद शाम तक। अच्छा परिवार में कितने हैं आप? परिवार में हम लड़का है 3 हम पे। अच्छा लड़का ने की शादी है चुकी दोनों की। अच्छा दो क्योंकि एक रह गए, एक रह गए, और माता जी वो तो खत्म है गए। अच्छा माता जी पिछले साल। अच्छा एक साल या अगस्त में। अच्छा तो जैसे अब आप परिक्रमा लगा रहे हैं? हाँ तो इसमें
मतलब शरीर को जरा सा भी कष्ट नहीं होता, और आपने विचार कब बनाया कि अब मुझे दंडोती की परिक्रमा लगानी है? वो ऐसे गया कि हम बच्चापन पे ही हमें 10-12 साल 15 साल के थे, महीना में एक परिक्रमा लगा भाई खड़ी जी। फिर एक महात्मा देखो हमने जी, तो हम तो कछु ना लगा रहे जी, पर वो ऐसे एक पैर पे खड़े है के, एक पैर पे खड़े हो, एक पैर पे खड़े है के, एक लगाऊं मैं लगा के बताऊं। अच्छा, तो वो खड़े हो और फिर दंडवत करे, फिर खड़े हुए। अच्छा, तो उन्हें देख के हमारे दिल में विचार आ रहा है ये तो बड़ी दंड, उन्होंने साइकिल पे आवे अच्छा कहीं बाहर से और ऐसे लगावे, फिर हमारे मन में एक पैर पर खड़े होते थे, ठाकुर जी को प्रणाम करते थे, फिर बैठ जाते। हमें दिल लगा के बताओ आप। अच्छा हाँ, बिल्कुल करके। अच्छा, रू नाम ले। अच्छा करके। अच्छा, अच्छा जी, इतनी कड़ी तपस्या, इतना टाइम दे। अच्छा, हाँ नहीं सही बात। अरे नहीं, तो देख के हमें विचार आ रहा है, 15-20 साल है। अच्छा, फिर हमने जो कही मैंने एक दंडौती लगाओ जी, फिर दूसरी लगाओ, ऐसे करते रहे। फिर बेचारा आया कोई एकदम लगा लो, हाथ दो हाथ चार हाथ दस हाथ सरकेंगे आगे। अच्छा, चाहे एक साल में लगे, छः महीने में लगे जी, और फिर लगाई आ रही तो गिरराज जी। हाँ, गिरराज माने वो तो सब प्रभु की कृपा है, अगर लगानी है उसको किससे लगवानी है सब प्रभु। बेचारा है वो, वही करवाओ। तो कब से लगा रहे हैं आप दंडौती? दंडौती है नहीं, 3 साल 5 महीना और कुछ दिन है। नहीं, पहली दंडौती की परिक्रमा कब लगाई थी आपने? पहली जी, पहली तो करीब ऐसी है कि कोई 10-12 साल पहले। 10-12 साल पहले। हाँ। तो तब से शरीर में कोई दिक्कत है ना? ये कहीं लगाई। अच्छा, फिर 2-4 साल पीछे फिर दूसरी लगाई थी। नहीं, जैसे पहली दंडौती की लगाई थी तो उसमें कोई ऐसा लगा था कि थकान हो गई? थकान हो गई। अच्छा, और अब आदत हो गई? थकान ऐसी ज़्यादा ना हो, अब आदत हो गई। तो आदत है, ज़्यादा थक जाए का जी, थोड़ी बहुत महसूस होती है, नहीं कोई दिक्कत ना। फिर ठाकुर जी सब व्यवस्था बना रहा है। अच्छा, मैंने सुना है कि मतलब अगर यहाँ कोई दंडौती लगा रहा है या कोई ऐसी परिक्रमा भी लगा रहा है तो दवा काम नहीं आती, अपने आप ही अगर यहाँ आ रहा है तो अपने आप ही सही हो जाता है। बिल्कुल सही है ये बात, दवा की कोई। एक महात्मा है वो डेली लगाते हैं सुबह जी, तो सुनी है हमने जी जी कि उनके पैरों पर खड़ो ना हो जाओ। अच्छा, हाँ, तो उनके माँ बाप नहीं छोड़ गए। अच्छा, ये है ना, ये चूतट्टे का वहाँ के लगभग कोई मंदिर है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो सोवे हमें वो। अच्छा, तो मैंने वो खड़ो ना हो जा जी, गिरिराज जी की कृपा ऐसी भाई कि वो यहाँ छोड़ गए माँ बाप तो। हाँ, फिर वो धीरे धीरे खड़े हैं। अच्छा, फिर धीरे धीरे वो लगा भी लग गए। अच्छा, अब वो 2-2.5 घंटा में लगा दें, 2 बार मैंने लगाई है। अच्छा, 2 घंटा में 2.5 घंटा में डेली लगा दें जी, देख लो पैरों तो खड़े ना हो जाए, गिरिराज जी की मेहरबानी है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, मेहरबानी करी। हाँ जी, तो मैं महाराज जी अब इतना जानना चाहूँगा कि इतना बताएं कि ये मन में कैसे ख्याल आया और गिरिराज जी महाराज के प्रति कैसे श्रद्धा बढ़ी एकदम अचानक से, ऐसा कोई अपना अनुभव बताएं जिंदगी का। ये तो साक्षात नारायण है ना, ये तो साक्षात गिरिराज जी ने कन्नी उंगली पर धारण किया, वही है, स्पर्श किया है एक एक कण में। गिरिराज महाराज हैं, यहाँ की ब्रज की रज है, जो ब्रज का क्षेत्र पूरा है, तो यहाँ तो स्वयं साक्षात प्रभु श्री कृष्ण का स्पर्श है इन्होंने, तो ये तो साक्षात है। बिल्कुल सही बात जी जी, बिल्कुल। और इनमें देखो नज़र करके गिरिराज जी के इनमें जी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के चिन्ह मिलेंगे। अच्छा, हाँ, कैसे जी? के श्यामवरण विष्णु भगवान को, राम को, कृष्ण को मान लिया है श्यामवरण, तो वो विष्णु है गे, और ब्रह्मा जी वो सफ़ेद दिखाई दे। अच्छा, देखियो हम नज़र करिए गिरिराज जी, और उनको और शंकर जी को भोलेनाथ नीले वो लाल लाल से ऐसो कछु दिखाई दे, तीनों रंग हम दिखाई दें, एक महात्मा ने बताइए। अच्छा, अच्छा, तो हमें अबू दिखाई दे रहे हैं, सुनहरा सा। हाँ, सुनहरा सा वो भोलेनाथ का लाल। हाँ, सफ़ेद और श्यामवर तीनों रंग दिखाई दे, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को चिन्ह दिखाई दे। अच्छा, तीनों के दिखाई दे। तो ये जो जैसे आप परिक्रमा लगा रहे हैं 108 की, तो इसमें आपने कभी ऐसा महसूस करा कि अब रुक जाना चाहिए, थक गया हमें, या फिर कोई ऐसा काम पड़ा जो जिस दिन नहीं आए हों आप? ना, ऐसा कुछ ना, जैसे हम थक जाए ना तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लगा में गिरिराज जी कृपा ना तो नहीं लगेगी। अच्छा जी, हमने मतलब कोशिश करके देख लिया। आज आपने सोचा कि मैं लगाऊंगा आज। हाँ, और अगर
कृपा नहीं होगी तो वो लगाओगे नहीं लगे। मैंने प्रयास कर लिया। अच्छा कर लिया है आपने प्रयास। अच्छा जी ना लगे। और अगर जिस दिन ये सोचोगे नहीं आज नहीं लगाओ तो फिर तो उन्हीं की कृपा वो है ही रही है। हो रही है तो आई एक दिन की बताओ मैं घर से चलो जी 11:30 बजे जी छुट्टी हूँ तो मैं गोवर्धन चौरा आए मथुरा तो मोटरसाइकिल तो चले मैं चलो तो धूप है गई पहले तो धूप है गई तो मेरे मन में आई कि आ तो गर्मी है पर मैं चलो चलो चल दिए सुई मोटरसाइकिल पंचर। अच्छा हाँ यहाँ गोवर्धन चौराहे पंचर है गई एक दो घंटा लग गया। अच्छा जी वही दुकान घंटा लग गया। हाँ पंचर की दुकान फिर मैंने आज कृपा ही ना है फिर वापस ही जाना पड़ा। अच्छा और मेरी कृपा हो का तो अपने आप ही बुलाते अपने आप ही बिल्कुल सही बात है कि जब उसको बुलाना हो तो अपने आप बुलाता है चाहे कोई भी हो कोई फिर नहीं रुकता। और ये ठाकुर जी के नाम में इतनी बड़ी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है अब जी तो सारी मनोकामनाएं कर रहा है सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं अब हो ही जाए बिल्कुल सही है। हमने तो कोई इच्छा ही ना करी अभी तो फिलहाल तो वैसे नहीं सही बात क्योंकि इच्छा क्या है जब ठाकुर जी अपने आप ही करेंगे सब उसका दिया वो तो फिर लो आए वो बिल्कुल सही की भक्ति है बिल्कुल सही बात हम जो कहें जी काम होना चाहिए तो वो भक्ति है मतलब स्वार्थ वो तो स्वार्थ और भक्ति वह है कि अंदर हमारे क्या है निस्वार्थ है वो तो सामने सब पहचानना है कि तुझे क्या देना है हमें तेरे ऊपर अपने आप ही देंगे बस तेरे ऊपर तू देता है सबको देने वाला। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से भक्ति होती है आप देख रहे हैं कि एक चलने मात्र से लोग थक जाते हैं लेकिन ये ऐसे भक्त हैं जिनको मैं आपको लगातार दिखाता हूँ ऐसे भक्त जो सिर्फ ब्रज क्षेत्र में और गोवर्धन बाबा के क्षेत्र में ही दिखते हैं जो अनवरत दंडोती की परिक्रमा लगा रहे हैं बिना थके शरीर में कोई थकान नहीं वो 108 इस जगह खड़े होकर लगाएंगे उसके बाद में 7 फुट फिर आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तकरीबन दिन में 8 से 10 या 6 से 7 जितनी भी हों जितने बाबा मेहरबानी करें उतनी करते हैं फिर उसके बाद में अपने घर चले जाते हैं शाम तक यहीं रहते हैं गोवर्धन बाबा। और इतनी कृपा है प्रभु की कि आज तक शरीर में कोई दिक्कत नहीं कोई भी बीमारी नहीं और जब उनकी कृपा होती है तब चले आते हैं अपने ड्यूटी भी करते हैं हुए हैं बच्चों की शिक्षा से तो वो भी पूरी करते हैं और शाम को यहाँ पर भी चले आते हैं दोस्तों चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो जब अगर वो बुलाएगा तो बुलाएगा आना ही पड़ेगा कोई रोके कितनी भी दुनिया रोके नहीं रुकता वो। तो दोस्तों भक्ति की इसी कड़ी में मेरे साथ आप बने रहें मैं आपको श्रद्धालुओं को भक्तों के दर्शन करा रहा हूँ ऐसे श्रद्धालु ऐसे भक्त जो शायद आपने कभी ना देखे हों वो ऐसे ही मेरी कोशिश रहती है जिनके ऊपर राधे रानी की स्वयं कृपा रहती है गोवर्धन बाबा के वो बिल्कुल समीप होते हैं गोवर्धन बाबा की उनके ऊपर कृपा रहती है दोस्तों ऐसे भक्तों के दर्शन कराता हूँ बने रहें मेरे साथ और दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहें और भक्तों के दर्शन भी करते रहें दोस्तों।